Assalamu alaikum guys, I hope you all are fine and doing well. This is Sarah Qureshi. As you know very well, today our topic is freelancer. Like, what is freelancing? So guys, आज हम सीखने वाले हैं what is freelancing, freelancing क्या होती है. Mostly लोगों ने बस ये सीख लिया है freelancing करनी है. Even ये नहीं पता freelancing क्या होती है. अगर किसी ने फोन से पूछ लिया कि freelancing क्या होती है तो फिर वो सोच में पड़ जाएंगे कि freelancing क्या होती है. और दूसरी बात कि कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि freelancing क्या होती है या freelancing भी ऐसी कोई चीज़ है, या फिर ये भी समझते हैं कि यार एवं किसी वाला का नाम है. सो नहीं, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग एक्चुअली बिजनेस है, ठीक है जी. और फ्रीलांसर कौन है? फ्रीलांसर वो जो कि खुद का ही बॉस होता है, राइट. फ्रीलांसिंग से मुराद है कि आप घर बैठे कोई जॉब कर रहे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं. मतलब आप एक जगह स्टक नहीं होते, आप एक जगह रुक के काम नहीं करते, आप किसी के अंडर में काम नहीं करते, आप अपनी सैलरी का इंतज़ार नहीं करते पूरे मंथ में. आपको सिर्फ डिफरेंट टास्क होते हैं आपके पास, वो डिफरेंट टास्क आप जैसे कंप्लीट करते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है. इसमें बेसिकली क्या करना होता है कि एक शख्स है, ठीक है, ये मैं फ्रीलांसर बता रही हूँ कि फ्रीलांसर क्या होता है. एक शख्स है जो कि खुद अपनी मर्जी से किसी भी क्लाइंट के पास जाता है, उन्हें कन्वेंस करता है, उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताता है कि फ्रीलांसिंग मैं करता हूँ और जो भी फील्ड, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डिज़ाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, या फिर आप डेटा एंट्री करते हैं, या फिर आप आर्टिकल कंटेंट लिखते हैं, या फिर आप SEO करते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, आप जाएंगे क्लाइंट के पास, आप उन्हें अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे. जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा पॉम्फ्लेट्स लेके लोग आते हैं, या फिर अपने विजिटिंग कार्ड्स लेके आते हैं, आपको बताते हैं कि हम ये काम करते हैं, आपको जब भी काम हो हमें कॉल कीजिएगा, या फिर आपके पास डिफरेंट कंपनी से कॉल, या फिर आपने देखा होगा मैसेजेस आ रहे होते हैं आपके पास नॉर्मली बहुत सारे ब्रांड्स से कि ना आज ये ऑफर निकली है, कल ये ऑफर निकली है, फला फला. सेम काम फ्रीलांसर करता है, ठीक है, जैसे उन लोगों का बिजनेस है वो अपना बिजनेस रन करने के लिए करते हैं, ऐसे फ्रीलांसर करता है अपना बिजनेस रन करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, मतलब डिफरेंट समझ लीजिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. अब वो वेबसाइट जो है फेसबुक हो गई, फाइबर हो गई, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है जी. वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज क्लाइंट को बताता है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये काम करता हूँ मैं, और आपके लिए इतने पैसों में कर दूंगा. क्लाइंट आपको जॉब देता है, क्लाइंट आपको वो टास्क देता है, अब वो एक दिन का हो, एक घंटे का हो, दो दिन का हो, आप वो टास्क परफॉर्म करते हैं और आपको पैसे मिल जाते हैं. मतलब कोई झंझट नहीं है कि आप चार दिन काम करेंगे, आप पाँच दिन काम करेंगे, या 9 से 11 काम करना है, 9 से 12 काम करना है, जैसे आपकी मर्जी वैसे काम करें. मतलब आप खुद के ही बॉस होते हैं एक तरीके से, ठीक है जी, और बिजनेस आप रन कर रहे होते हैं. और नॉर्मली आप फिजिकली बिजनेस भी साथ ही चला भी सकते हैं, और ज़्यादा से ऐसा होता है कि आप उस बिजनेस से ज़्यादा इस बिजनेस में कमा लेते हैं, सही है जी. तो ये थी फ्रीलांसिंग और ये है फ्रीलांसर. सो फ्रीलांसिंग करने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया. आप चाहें तो फेसबुक से भी जाके क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप जाके काम कर सकते हैं. ये आपने फाइबर निकाली, ठीक है, फाइबर आपने जाके सर्च करना है. जैसे ही आप फाइबर सर्च करेंगे, आपने फाइबर पर क्लिक करना है जी, ये देख लें, ठीक है जी, ये आपके पास ये वेबसाइट आ गई. और यहाँ पर आके आप डिफरेंट अपनी जो जिस भी फील्ड में आपके पास इंटरेस्ट है आप और नॉलेज है आपको, और वो काम आप कर सकते हैं, जो भी आपकी फील्ड है, आप उस चीज़ के हिसाब से काम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी. सेम आपने जस्ट यही करना है कि आपने यहाँ पर आके डिफरेंट, अभी मैं इस पे लॉग इन या ज्वाइन नहीं कर रही, जस्ट आपको बता रही हूँ ये वेबसाइट है फ्रीलांसर, सॉरी फाइबर, ठीक है जी. यहाँ पर आप आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, वर्डप्रेस, वॉइस ओवर. हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई कि आप वॉइस ओवर, अगर आप वॉइस मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपकी आवाज़ अच्छी है, आप डिफरेंट वॉइसेज निकाल सकते हैं, तो आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं एक अच्छा सा माइक लेके, और जस्ट वॉइस ओवर करके आप उसको जो है दे देंगे क्लाइंट को,
और आपसे बदलों से पैसे ले लेंगे, वीडियो एक्सप्लोरर हो गया, सोशल मीडिया, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, जो आप कर सकते हैं वो आप करें और उसके बाद आप चीज़ों को आप पैसे अर्न करें, ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पर सर्च कर ले SEO एक्सपोर्ट, ठीक है जी, देखना है डिफरेंट गिग आ गई। आप कह रही है आई विल बी योर शॉपिफाई डेवलपर एंड एक्सपर्ट इन SEO कोडिंग, कितने लेगी ये? तकरीबन 26,422, ठीक है जी। लेकिन के पैसे लिखे हुए हैं, ये क्या क्या करने वाले हैं, ये काम कर सकते हैं और इसके ये इतने इतने पैसे ले रहे हैं, तो मतलब आप इतना अर्न कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी आपकी जो बहुत फेमस वेबसाइट है वो है अपवर्क, ठीक है जी। अपवर्क भी कुछ यही काम करती है, सही है जी। यहाँ पर देख ले, अपवर्क पे भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और ये है आप काम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर करते हैं जिस तरीके से फाइबर पे, और यहाँ पर भी अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है फ्रीलांसर, ठीक है जी। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने जो है ये ले freelancer.com आपने खोलनी है वेबसाइट, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जस्ट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अब अकाउंट वगैरह आपको जो है मैं वीडियोस में इंशाल्लाह बताती रहूँगी। सो ये आपकी जो है फेमस वेबसाइट्स हैं, बाकी और भी बहुत सारी हैं, आप सर्च आउट करेंगे आपको मिलेगी, ठीक है जी। सो उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसर कौन होता है और किस तरीके से काम होता है और क्या अर्निंग आप इसमें कर सकते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप जा सकते हैं। अगर इसके बारे से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।